सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। फ्रेंड इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो टाइप 2 पर आधारित होगा। यानी टाइप 2 जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें आपका जो है फंक्शन क्यू एक्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर के रूप में होगा। देखिए आपका जो है फंक्शन क्यू एक्स ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि एक्स का पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इस प्रकार का अगर फंक्शन जो है इस फॉर्म में हो तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना है इसके बारे में देखना है। देखिए देखिए आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आर तक जाए, आर तक रिपीट होता हो, तो उसका फर्स्ट फैक्टर लिया जाता है ए वन एक्स। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर वन ही हो, अगर आर के जगह पर वन हो, तो आप इस प्रकार से लेना है, ये जो है ना इस आधार पर लेना है आपका सेकंड फैक्टर। ठीक है, अगर यही फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका आर तक जाए तो आपको फर्स्ट फैक्टर लेना है। देखिए ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये टू डॉट डॉट आर तक गया है फैक्टर, ये देखिए आर तक गया है। तो इसी फॉर्मूला पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर इस प्रकार से हो, देन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो है लिया जाता है, इसके लिए ए अपॉन पी एक्स प्लस क्यू लिया जाता है फर्स्ट फैक्टर, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए इस फॉर्म में देखिए बी एक्स प्लस सी, यानी बी के साथ कोएफिशिएंट एक्स मल्टीप्लाई होता है प्लस सी, यानी इसमें दो दो आपका कॉन्स्टेंट होता है और अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे हिसाब से आप ये सब जानते होंगे कैसे इस प्रकार से किया गया है ये सब। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। देख लीजिए पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए आपका क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स का यहाँ स्क्वायर है, ये यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो देखिए इस इंटीग्रैंड आपका ही ना है, तो वन अपॉन इतना ले लिया गया है फर्स्ट फैक्टर के लिए ए अपॉन एक्स माइनस वन, और सेकंड फैक्टर ये है तो क्वाड्रेटिक के लिए लिया जाता है बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी लिया गया है। ठीक है, अब क्या किया एलसीएम ले लिया है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब जिस प्रकार से आगे का प्रोसेस हम इसी आधार पर सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रैंड को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यही है, देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमने क्या किया है, देखिए लेट इंटीग्रैंड टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सेकेंड फैक्टर, इतना ले लिया। अब हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स आ गया, इतना इसका एलसीएम आ गया। अब इससे इसमें डिवाइड दिए तो यह तो कट जाएगा, बचा ही है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, या आप यूँ समझिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे इसको इससे, और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे ले लिए, समझ गए एलसीएम लेने का ये रूल्स है। तो देखिए ये कट जाएगा आपका, कटेगा क्योंकि इक्वल है, तो बचा क्या आपका, तो बचा टू इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको निकालना है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कब निकलेगा, जब बी और सी का वैल्यू जीरो हो जाए तभी ना जी ए का वैल्यू निकलेगा। तो देखते हैं हम जब एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तब आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ टू था है तो टू लिख दिया, तो ए इंटू वन प्लस वन एक्स का एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन का स्क्वायर क्या है वन आ जाएगा, तो वन ये तो जीरो हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ए वन माइनस वन यहाँ तो जीरो, तो ये जीरो है तो इसमें भी इसको भी जीरो कर देगा, तो ए इंटू वन प्लस वन प्लस ये जीरो, तो ये वन प्लस वन इजल टू टू इंटू ए यानी टू ए, यहाँ टू इज इक्वल टू टू है, तो यहाँ ए नहीं कट जाएगा टू टू, तो बचा ए इज इक्वल टू वन। इसी प्रकार जब बी का, अब हमको सी का वैल्यू निकालना है, तो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपका सी का वैल्यू निकलेगा सी वन। ठीक है, कैसे निकला आप देख सकते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जीरो है बी एक्स, तो यहाँ बी को टोटल जीरो कर देगा प्लस सी, आई वन माइनस एक्स तो जीरो वन माइनस जीरो, तो यहाँ पर सी ए बचेगा प्लस सी इंटू वन। ठीक है, समझ आया, तो सी इज इक्वल टू वैल्यू निकला आपका वन। इसी प्रकार जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो बी आपका वैल्यू निकलेगा वन। ठीक है, यानी यहाँ तक आपने देखा कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल गया कैसे। तो नाउ इंटीग्रैंड पे आते हैं आप, देखिए इंटीग्रैंड आपका ये है, इसके बाद आपका कितना था, यही ना था,
इतना हम इसके बराबर इतना लिख दिए, ठीक है। अब ए और बी का, ए बी और सी तीनों का वैल्यू पुट किए हैं, ए का वैल्यू है आपका कितना देखिए, वन, ए वन अपॉन वन माइनस एक्स लिख दिया। बी का वैल्यू इसका भी वन, तो बी वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सी का वैल्यू वन, तो वन पुट कर दिए, इतना अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम दोनों साइड में क्या क्या इंटीग्रेशन ले लिए हैं, इंटीग्रेशन सेन इस साइड भी इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, तो हमने क्या किया है दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। इतना इतना इंटीग्रेशन साइन आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो इसका हो गया लॉग वन माइनस, इसको आप जेड मानते हैं तो वन माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन से डिवाइड देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक बार एक्स में डिवाइड देते हैं, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक बार वन में, देखिए दो इसको भी सेपरेट सेपरेट हम डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए हैं, यानी इस पार्ट से एक बार इसमें, फिर इसी पार्ट से एक बार इसमें लिखे दिए हैं, फिर ये वन में दिए हैं और अलग इंटीग्रेशन में दिए हैं, ठीक। ये तो आपका लिखा गया इतना, अब हम यहाँ क्या कहें, टू से मल्टीप्लाई किए हैं और टू से डिवाइड दिए हैं, देखिए तो यहाँ हो गया ऊपर टू एक्स डी एक्स और नीचे हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस ए। अगर देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप जेड मानते हैं तो ऊपर जो है टू एक्स डी एक्स ये डी जेड के बराबर हो जाएगा, देखिए हम जेड माने तो ऊपर जो है डी जेड के बराबर हो गया है ना, ये जो था यहाँ लिखा गया वन बाई टू डी जेड अपॉन जेड प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस ए, इतना इतना लिखा गया, ये इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा और प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं जेड का वैल्यू पुट करते हैं, तो ए अपना इतना लिखा गया यहाँ पे वन बाई टू लॉग जेड इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जेड माना था ना, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दिए प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को जो शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है गिवन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को पहले लिख देते हैं, देखिए लिखे हैं इसको पीछे इतना लिख दिया। अब हम क्या करें, देखिए इसको इसी को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ले लिया इतना, लेट इतना इज इक्वल टू इतना, तो ए फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस वन लिया प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सेकेंड फैक्टर ले लिया, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर में हो, तो इसको आपको सेकेंड फैक्टर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स रहता है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर हम सब सिर्फ बी लेते हैं, बी अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखिए एक्स ये तो यहाँ लिखा गया, इसका एलसीएम लिया, ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे में, समझ गए। अब ये वाला कट कट जाएगा, बचा आपका यहाँ पे x, यहाँ बचा आपका ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अब देखिए a b और c का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब x इज इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, यानी a b और c का वैल्यू कब निकलेगा, a का वैल्यू कब निकलेगा, जब b और c इक्वल टू जीरो तब ना a का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो आपका a का वैल्यू आएगा वन बाई टू, इसी प्रकार जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपका a और इज इक्वल टू c आ जाएगा, यानी वन बाई टू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे आया है, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी हो, मतलब ए जो है सी के बराबर है, तो सी और ए जो है वन बाई टू, तो सी भी वन बाई टू बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब माइनस वन पुट करते हैं तब देखिए क्या होता है, तब आपका आता है वैल्यू बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब फिर देख लीजिएगा कैसा किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया, अब मेरे ख्याल से आपको आता हुआ करना है। नाउ इतना इज इक्वल टू इतना है ना, देखिए यहाँ पे दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो लिख दिया हमने। अब ए बी और सी तीनों का वैल्यू पुट किया है, ए का वैल्यू वन बाई टू एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू एक्स, यहाँ बी का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, तो एक्स लिख दिया, सी का वैल्यू वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। दोनों साइड अब इंटीग्रेशन कर लिया, देखिए उसका इंटीग्रेशन कर लिया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, देखिए वन बाई टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, इसमें से माइनस वन बाई टू कॉमन किए, ठीक है।
माइनस वन बाई टू कॉमन किए हैं, और क्या किए हैं हम इसमें प्रत्येक में अलग अलग डिवाइड देकर इंटीग्रेट किए हैं, इससे एक बार में एक्स में डिवाइड दिए हैं, इससे एक बार इसमें, देखिए डिवाइड दिए हैं, माइनस साइन था तो माइनस वन बाई टू बाहर आ गया, एक्स अपॉन एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और ये प्लस था तो वन बाई टू बाहर गया, और यहाँ बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। नाउ ये देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें हम क्या किए यहाँ से टू मल्टीप्लाई किए हैं तो टू डिवाइड में दिए हैं, तो यहाँ टू इंटू टू चार हो जाएगा, यहाँ ऊपर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ टू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ टू लिखेंगे, यहाँ पर भी टू देना पड़ेगा तो टू गुने दो चार, चार हो गया, यहाँ टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इतना उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस से, समझ रहे हैं, देखिए वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, ये अगर आप इसको जेड मानते हैं नीचे वाला को एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू जेड, तो ये ऊपर जो होगा डी जेड के बराबर होगा, यानी वन अपॉन जेड डी जेड, यानी इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड, यानी जेड इजिकल टू क्या लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, समझ गए, डायरेक्ट हमने कर दिया है, प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस से, समझ गए कैसे हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये है लेट इंटीग्रेंट हो जाएगा आपका, इतना ले लिया फर्स्ट फैक्टर के लिए एक्स प्लस टू, सेकेंड फैक्टर के लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना दोनों साइड एलसीएम ले, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई किया इसको इससे एन टू, इतना इतना इन दोनों का प्रोडक्ट ये कट जाएगा आपका, इधर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इधर बचा ये लिख दिया इतना, अब ए बी और सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए का वैल्यू देखिए कैसे निकला है, जब x इज इक्वल टू माइनस टू पुट किए तब a का वैल्यू आ गया आपका थ्री बाई फाइव, इसी प्रकार जब x इज इक्वल टू जीरो पुट किए तो c का वैल्यू आया वन बाई फाइव, इसी प्रकार जब x इज इक्वल टू वन पुट किए तब आपका b का वैल्यू आ जाएगा टू बाई फाइव, ठीक है। नाउ आपका इंटीग्रेशन यही ना है, तो इस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इतना के बराबर है, अब हम कहते हैं ए बी और सी तीनों का वैल्यू पुट किए हैं तो आपका इंटीग्रेंट इस ए का वैल्यू थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू, इसमें बी का वैल्यू टू बाई फाइव एक्स प्लस सी, यानी सी इक्वल वैल्यू वन बाई फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इतना हो गया, इसलिए अब हम क्या किए हैं, देखिए दोनों साइड अब इंटीग्रेशन का साइन लिया है, तो देखिए इंटीग्रेशन साइन आ गया, इसमें भी आ गया दोनों में, इतना इसमें भी आ गया इसमें, हम देखिए हम क्या किए हैं यहाँ से हम वन बाई फाइव कॉमन किए हैं, तो देखिए वन बाई फाइव कॉमन किए हैं तो बचेगा आपके यहाँ ऊपर में टू एक्स प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसका देखिए थ्री बाई फाइव कॉमन था कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, वन बाई फाइव कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इसका अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करें, एक बार इससे डिवाइड दे रहे हैं एक बार इसमें, तो टू एक्स डी एक्स हो जाएगा ऊपर में अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें वन बाई फाइव वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यानी आपका इस पार्ट से हमने एक बार इसमें और एक बार इसमें डिवाइड किया है और अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया, देखिए इसका इंटीग्रेशन थ्री बाई फाइव लॉग, थ्री बाई फाइव लॉग एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन वन बाई फाइव, अगर आप जेड मानते हैं इसको तो ये डी जेड के बराबर हो जाएगा, यानी वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, तो लॉग जेड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, ठीक है, इसका वन बाई फाइव ये तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो लिख दें इतना प्लस ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें। नाउ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है गिवन है इतना, इसको हम देखिए एक्स का पावर फोर को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर फोर ही ना हो जाएगा, और वन को वन का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो वन ही होगा, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे आ गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए आपका ही ना है एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए, यानी जो है आपका ये जो एक्स स्क्वायर जो है ये ए हो और ये वन जो है बी है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए। नाउ आपका इस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं, इसको भी एक्स ये भी जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर सकता है, तो कर दिया है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इतना है, ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिख दिए हैं जितना है ये।
मैं उतार दिया। नहीं, आपका इंटीग्रैंड अब ये आ गया, लेट इतना इज इक्वल टू 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर लिए हम, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और फ्रेंड्स वो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको इसमें सी एक्स प्लस डी ऐसा नहीं लेना है, सी एस से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नाउ कितना लिखा गया, इसमें एलसीएम लिया, तो एलसीएम में ये इंटू ए इंटू ए तीनों प्रोडक्ट में रूप में आ जाएगा, तो इसमें डिवाइड दीजिए तो ए कटेगा बचेगा ये है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस ए में, तो मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार बी से डिवाइड देते हैं इसमें, तो ये कैंसिल होगा बचेगा ये और ये, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में। इस प्रकार सी से, तो ए इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा बचेगा ये और ये, तो आपका बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, देखिए है ना, सी सॉरी सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा ना। अब कहिए भाग ये पार्ट इक्वल है तो कट जाएगा, बचा आपका इधर वन और ये इधर बचा आपका इतना। अब नाउ ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो आपका ए का वैल्यू आएगा 1/4, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो आपका बी का वैल्यू आएगा -1/4, सी इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो आपका आएगा सी का वैल्यू, देखिए ये आपका आ जाएगा सी का वैल्यू -1/2, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे कैसे आया वैल्यू। नाउ इंटीग्रेंट आपका ये ना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन लेने पर इतना पार्ट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट लिख दिया। अब ए बी सी तीनों कॉन्स्टेंट साथ बाहर कर दिए, देखिए और तीनों को अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया। नाउ ए का वैल्यू 1/4, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू -1/4 लॉग एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, सी का वैल्यू कितना है -1/2, तो लिख दिया इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ 1/4 दोनों में क्या था कॉमन है, देखिए यहाँ 1/4 यहाँ पर भी 1/4 था, इस कॉमन कर लेते हैं तो 1/4 कॉमन हो गया, बचा आपका लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन -1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस ए, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है लॉग एम बाई एन, तो इस फॉर्मूला पे हम लिख दिया -1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए जो कि आपका लास्ट है, देखिए आपका यह क्वेश्चन इतना। अब हम क्या करते हैं, ये दो देखिए आपका फैक्टर के रूप में नहीं है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ऊपर में देखिए हम क्या करते हैं, गिवन है आपका ये दिया हुआ है इतना, तो ऊपर में देखिए हम क्या वन को क्या लिख सकते हैं, -4 + 5 इक्वल टू वन आ जाएगा, तो इसको हम वन को हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज करें, देखिए -x² - 5x² - 3x - 2x इक्वल टू -5x हो जाएगा, लिख सकते हैं इतना +6। अब हम क्या कहें, इन दोनों टर्म से x कॉमन किए हैं, तो देखिए x कॉमन किए हैं तो बचा आपका x -3, और इस दो इन दोनों टर्म से हम कॉमन किए हैं -2, तो -2 कॉमन किए हैं तो बचा आपका x -3। अब इन दोनों में देखिए x -3 है, तो इन दोनों में से भी कॉमन किए हैं, इसमें से देखिए ऊपर में हम क्या किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में किए हैं x² 2 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b², तो a - b इंटू a + b फॉर्मूला पर लिख दिए, ठीक है। अब 5 था तो 5 को ऐसे लिख दिया, ठीक, और नीचे तो आप देखिए समझिएगा कैसे किए हैं। अब आगे देखिए x - 2 × x + 2 + 5 इतना, इसमें से x माइनस इन दोनों को कॉमन किए तो इतना हो गया, बचा पर क्या x और -2, तो x - 2 लिख दिया, ठीक है dx। अब हम क्या करते हैं, इससे इसमें एक बार डिवाइड देंगे और इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें सेपरेट सेपरेट, देखिए डिवाइड दिए इसमें एक बार और एक बार 5 में इससे, तो आपका यहाँ से देखिए ये कटेगा आपका, बचा आपका क्या बचा आपका यहाँ पे देखिए x + 2 बचा है अपॉन x - 3 dx इतना लिख दिया, और ये अपन ये जो था उसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी x + 2 में हम क्या किए हैं, x - 3 + 5 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 5 इक्वल टू 2 लिखा जाएगा, उसी को किए हैं देखिए इतना, अभी क्या किए हैं इन दोनों के एक पेयर में ले लिए हैं, ठीक है, +5 अपॉन x - 3 इतना, इसको जो था उसको उतार दिया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या किए हैं x - 3 से इससे एक बार इसमें फिर एक बार इसमें डिवाइड दिए, देखिए एक बार इसमें डिवाइड दिए एक बार इसमें एक बार इसमें देखिए
ना, तो ये तो आपका कटेगा, ये जो था वहाँ उतार दिए इसको, ये कटेगा तक बचेगा dx, ठीक है। ये इसको फाइव कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिया, इसको इंटीग्रेशन अपॉन और एक्सपेंशन लिख दिया dx, और इसको जो था यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन 5 log x-3, इसका इंटीग्रेशन 5 log x-3, इसको जो था वैसे ही लिख दिया हम, ठीक। अब नाउ इंटीग्रेशन हमको इसको करना है, ये तो ये दोनों इंटीग्रेट हो गया, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, लेट 5 अपॉन x-3 × x-2 = a अपॉन x-3 + b अपॉन x-2। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि x जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, इसलिए ए बी लिए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए आप, एलसीएम लिया है तो ये इसके साथ, ये इसके साथ अपॉन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये दोनों कट देगा, इक्वल है। सेकंड बचा आपका इधर 5, इसे उधर बचा इतना, ए बी, ए और बी का वैल्यू निकलना था। जब एक्स इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो आपका एक वैल्यू निकलेगा 5, क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 पुट कीजिए, एक्स इक्वल टू 3 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये सिर्फ, तो ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू जब 2 पुट कीजिएगा तब आपका वैल्यू आएगा बी इक्वल टू -5, ठीक है। अब नाउ इसके जगह पर हम देखिए, आपका इंटीग्रेंट जो है ये ए बी का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इंटीग्रेंट में आपका ये इसके जगह हम लिखते हैं, ठीक है। आपका इतना है, इसी ने था ए अभी था, तो ए का वैल्यू 5, अभी का वैल्यू -5, तो रख दिया हम उतना, अपॉन x-3 -5 अपॉन x-2। आप क्या किए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिए हैं, देखिए इतना 5 कॉन्स्टेंट था बाहर, -5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, ठीक है। इतना तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तो 5 कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन log x-3 इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन -5 log x-2, यानी इसका इंटीग्रेशन आया आपका ये वाला, ये आ गया इतना इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या था आपका, x+5 log x-3, और इसका इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट को, सेकंड थर्ड पार्ट को इंटीग्रेट किया था आपका इतना आया, देखिए इसी पार्ट को इंटीग्रेट किए हैं तो इतना आया है। तो इसके जगह पर हम इतना लिख देंगे, x+5 log x-3 + 5 log x-3, इसका पुट कर रहे हैं तो 5 log x-3 और -5 log x-2 प्लस है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सेकंड में रखते हैं, एक्स इक्वल टू इतना लिख दिया, इस वाले पार्ट को सेकंड में रख दिए हैं, देखिए 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 log x-3 प्लस है, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही है, जुड़ जाएगा ना, 5 + 5 = 10 और log x-3 प्लस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।